भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक ट्रेनिंग मॉडल लॉन्च किया गया है जो कोविड 19 के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने वाले सभी कर्मियों के लिए एक दीक्षा प्लेटफॉर्म होगा। इस ट्रेनिंग का नाम इंटीग्रेटिव गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। इस दीक्षा प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर, टेक्नीशियन, ANM, डिफेंस, सेल्फ डिफेंस और अन्य तरह के जो भी वॉलंटियर्स हैं जो कोविड 19 के इस गंभीर समय में अपना कार्य कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो विभिन्न प्रकार की तकनीकी जानकारी ले पाएंगे। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कोविड 19 के प्रति अपने दायित्वों को लेकर सचेष्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने कोविड 19 मैनेजमेंट के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। यह एक दीक्षा प्लेटफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का है उससे संबंधित है, जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में उनको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, ANMs और साथ ही राज्य के जितने अधिकारीगण हैं, सिविल डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी और जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएगी। हमारा फोकस है कि कैसे हम लार्ज स्केल वर्कफोर्स बनाएं ताकि फ्लेक्सी टाइम और ऑन साइट बेसिस पर उन लोगों को हम ओरिएंट कर सकें। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सस्पेक्टेड या कन्फर्म्ड प्रेग्नेंट लेडीज से संबंधित फिजिशियंस के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एम्स के द्वारा वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि सस्पेक्टेड या कन्फर्म प्रेग्नेंट वुमेन अगर जो कोविड से रिलेटेड हैं उनको एंटीनेटल केयर और लेबर मैनेजमेंट के रिक्वायर्ड टेक्निकल गाइडेंस दी जाएगी। इससे साथ ही हम देखें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से भी स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसीज को लगातार सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके तहत मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल इक्विपमेंट्स और पर्सनल को नोडल पॉइंट से एयरलिफ्ट कर पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे कि मणिपुर, नागालैंड और गैंगटॉक या यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहुंचाया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि कोविड के जितने केसेस होते हैं उसमें अराउंड 80% केसेस माइल्ड या वेरी माइल्ड सिम्टम्स से संबंधित होते हैं। उस स्थिति में कि कैसे हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें, उसके तहत जैसे कि मैंने कल आपको भी बताया था कि हमने अपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज को क्लासिफाई करते हुए टेम्परेरी हॉस्पिटल्स के रूप में, जिसको हम कोविड केयर सेंटर्स बताते हैं, उसके तहत हम अपने इन जो लेस सिम्टम माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जैसे होटल्स हैं, लॉजेज हैं, हॉस्टल्स हैं, जरूरत पड़े तो स्टेडियम्स को भी कैसे इस्तेमाल कर हम अपना फील्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें, उस गाइडलाइंस के तहत अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जो क्रिटिकल केसेस होते हैं या जो सीरियस केसेस होते हैं उनके लिए भी डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के बारे में भी अपना रिक्वायर्ड एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम कर रहे हैं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में सीरीज ऑफ मेजर्स लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे देश में केसेस की संख्या बढ़ रही है उसी के साथ ही हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी उसी से कमेंसरेट रूप में हम बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी प्रिपेयरनेस भी उसी हिसाब से हम बढ़ाते जा रहे हैं। इस समय में जैसे इससे पहले भी मैंने आपकी नॉलेज में लाया हूँ, इस समय में हमारी गाइडलाइंस के तहत जैसे कि जो हमारा कंटेनमेंट प्लान है उसके तहत देशव्यापी हर जिले में कार्य हो रहा है। काफ़ी अधिकारीगण उस एक्शन प्लान के तहत एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि कैसे हम कोविड 19 की सिचुएशन को मैनेज कर सकें। आप लोगों की नॉलेज के लिए जैसे मैं लाना चाहूँगा कि पुणे सेंट्रल रीजन और कोंडवा रीजन में डोर टू डोर सर्वे करते हुए 35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत जो टीम्स बनाई गई हैं वो पर्सन्स विद कोमॉर्बिडिटीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ उनको भी चेक कर रहे हैं। साथ ही कोई अगर ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो उस टाइप के लोगों का भी सर्वे करके उनको रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी तरह से पत्तनमतिट्टा केरला में जो एक जिला है वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर सर्विलेंस साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट्स किए जा रहे हैं। एक मुख्य अंश वहाँ पर जो फोकस किया गया है जो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि इस समय में जब हम
ये सारा काम कर रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वॉर रूम बनाया गया और साथ ही कैसे क्लस्टर्स और जो हाउस होल्ड्स अंडर क्वारंटाइन है उसको मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, और साथ ही जो हमारे लोग क्वारंटाइन या हॉस्पिटल में उनको रिक्वायर्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस संबंध में जैसे आप लोगों की नॉलेज में ऑलरेडी है कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज से डील करने में एक मुख्य अंश ये होता है कि अगर हमारी कहीं पर भी एक भी जगह पर फेलियर होती है तो वो हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को हार्म पहुंचा सकती है। इसलिए जो भी हम एक्शन लें वह यूनिफॉर्म हो, वह एक 100% इंश्योर हो।